नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। आज तक आपने बदमाशों द्वारा आम लोगों को धमकी देते हुए सुना होगा, लेकिन यूपी के बरेली में एक व्यक्ति ने स्पीड पोस्ट के जरिए अदालत में एक पत्र भेजा। पत्र में जज को धमकी दी कि जमानत दे दीजिए वरना पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, जिसके बाद जज ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा देने की मांग की। यूपी के बरेली में भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के विशेष न्यायाधीश को एक खुराफाती ने पत्र भेजकर गोली मारने की धमकी देने के साथ ही उनके परिवार को नेस्तनाबूद करने की बात कही है। पत्र स्पीड पोस्ट से अदालत में भेजा गया है। पुलिस ने जज साहब को गनर देने के साथ उनकी शिकायत पर FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि डाक के जरिए कोर्ट में मिले इस पत्र को कोर्ट के पेशेकार ने स्पेशल जज मोहम्मद अहमद खान को दिखाया। पत्र में लिखा था कि वह चुन्नीलाल का जिगरी दोस्त है, उसके कहने पर वह कंप्यूटर ऑपरेटर की हत्या भी कर चुका है। पत्र में लिखा है, अगर तुम्हें अपने परिवार को जिंदा रखना है तो चुन्नीलाल की जमानत मंजूर कर दो। मैंने तुम्हारे सारे ठिकानों का पता लगा लिया है, किस खिड़की से गोली मारनी है सब तैयारी कर ली गई है। हमारी टीम 30 अक्टूबर से इस काम को अंजाम देने में लगी है। घर के सभी खिड़कियों व गेट के साइज भी हमारे पास है। पत्र के अंत में उसने अपना नाम फहीम पाकिस्तानी लिखा है। स्पेशल जज मोहम्मद अहमद खान ने इस मामले की शिकायत हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, जिलाधिकारी और SSP से की है। तहरीर मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने फहीम पाकिस्तानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। चुन्नीलाल नाम का मुलजिम जिला जेल में बंद है। उसकी जमानत पर शनिवार को सुनवाई होनी थी। मुलजिम चुन्नीलाल पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा विचाराधीन है। स्पेशल जज को मिली चिट्ठी हाथ से लिखी हुई है। चिट्ठी लिखने वाले ने कहा है कि वह जमानत मंजूर करने पर दावत देगा, जिसमें शराब और शबाब भी होगा। अगर जज ने उसकी बात नहीं मानी तो वह जज के पूरे परिवार को नेस्तनाबूद कर देगा। शिकायतकर्ता न्यायाधीश वर्तमान में एक सड़क दुर्घटना में घायल भी हो चुके हैं और इन दिनों अवकाश पर हैं। स्पेशल जज ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा देने की मांग की है। SSP रोहित सिंह सजवाड़ ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि एक ADG एंटी करप्शन है, उनकी तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि उनको एक पत्र के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि वो उनको बेल नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो उनके परिवार को और उनको जान से मार सकते हैं। इस पूरे पत्र के अनुसार उसमें पुलिस के द्वारा थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ जो ADG एंटी करप्शन है उनको पुलिस के द्वारा एक सुरक्षाकर्मी भी उपलब्ध कराया गया है और जो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है वो वर्तमान में जिला जेल में निरुद्ध है। आपको बता दें कि चुन्नीलाल नामक आरोपी 12 नवंबर से जेल में बंद है। वह मुरादाबाद के महिला कल्याण विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था। उस पर 19 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पुलिस का मानना है कि शायद यह वही चुन्नीलाल है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस अब पत्र भेजने वाले की तलाश में जुट गई है। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। इसमें पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है और ये कहा गया है कि आप जो ये जो व्यक्ति हैं जो जेल में बंद हैं उनको बेल नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये धमकी मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस पूरे प्रकरण की एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और साथ ही साथ एक सुरक्षाकर्मी उनको उपलब्ध कराया गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।